आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने के फैसले की, जिसके बाद जमीयत उलेमा ए हिंद हरकत में आ गया है और आज इस फैसले पर चर्चा करने के लिए जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लीगल टीम की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा और लीगल टीम की बैठक के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून हर धर्म की महिला के लिए है और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी गुजारा भत्ता पति से ले सकती है तलाक के बाद। ये कहता है कि इस्लामिक तलाक के बाद गुजारे भत्ते का कोई वजूद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देने से पहले कम अज़ कम मुफ्तियाने कराम से या इस्लामिक स्कॉलर से रुजू करना चाहिए था। मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है, तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। शरीयत इस्लामिया ने भी इसका निज़ाम बनाया है और शौहर के ऊपर जिम्मेदारी आयद की है कि वो अपनी मुतल्लका बीवी का खर्चा दे जब तक कि उसका दूसरा निकाह नहीं हो जाता। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम महिलाओं में बहुत खुशी है। बरेली में आला हजरत की बहू तलाकशुदा निदा खान ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को शरीयत के नाम पर परेशान किया जाता है और वो इसकी भुगत भोगी है। भारत मान्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूंगी क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार है वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है, कोर्टों में परेशान करा जाता है कि नहीं हमारे शरीयत में मुस्लिम लॉ जिसे कहते हैं उसमें अपनी शरीयत प्लस करके चलते। तो इस फैसले पर कोलकाता की नखोदा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर शरीयत में पहले से ही नियम कायदे हैं, लेकिन भरण पोषण वाली बात इस्लामी शरिया के खिलाफ है और मुस्लिम पुरुषों पर ज्यादती है। अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको दैन महर तो देता है, 3 महीने का इद्दत का खर्च भी देता है, और कुरान में बताया गया है मताउम बिल मारूफ, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से एक सुटेबल गिफ्ट दे करके उसको मारूफ तरीके से रुखसत करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी ना कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर ना जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बारिश की। भोपाल में 12 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी।